हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप सारे कैसे हैं? आप ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक ठाक होंगे। गाइस, एक नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। एक्चुअली काफ़ी लोगों ने मुझे जो है ना मुझसे पूछा, मुझे रीच आउट किया कि भाई जो है ना हमें लैपटॉप नहीं मिल रहा है, और लैपटॉप अगर उनकी यूनिवर्सिटी पहुँचा है तो भी जो है ना काफ़ी डिले हुआ है और लैपटॉप हमें नहीं मिला है, और जो है ना उनका नाम HEC का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें उनका नाम तो है, बट दे आर नॉट गेटिंग देयर लैपटॉप। सो व्हाट शुड दे डू? सो गाइज, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। HEC का फाइनल लिस्ट में अगर आपका नाम जो है वो अगर मेरिट लिस्ट पे आपका आया है, सेलेक्टेड अगर आपका जो है ना आया है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में आपका फोकल पर्सन होता है, डिपार्टमेंटल फैकल्टी जो है ना फोकल पर्सन होता है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वो आपको कोई सही रिस्पॉन्स नहीं देता तो सुपर फोकल पर्सन होता है यूनिवर्सिटी का, तमाम फैकल्टीज़ का उनके ऊपर एक फोकल पर्सन होता है, आप उनसे रब्ता करें कि जो है ना लैपटॉप कब तक मिलेगा। और इसके अलावा आप HEC के ऑफिशियल से भी ना जो है आप रब्ता कर सकते हैं। आप HEC वालों से पूछ सकते हैं कि सर जो है ना हमें लैपटॉप कब तक मिलेगा। इसमें एक डिले ये हो सकता है गाइस कि एक्चुअली ये होता है कि HEC के जो ऑफिशियल्स हैं वो हर यूनिवर्सिटी जाते हैं और वो ख़ुद जो है ना वेरिफिकेशन कंप्लीट करके वो लैपटॉप जो है वो स्टूडेंट्स को हैंड ओवर करते हैं। तो क्योंकि HEC हर यूनिवर्सिटी में जाता है तो इस वजह से शायद लेट हो सकता है कि HEC की टीम आपकी यूनिवर्सिटी आ जाए, आपका वेरिफिकेशन हो, इस वजह से ये लेट हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, तो HEC के टीम को हर यूनिवर्सिटी जाने तक कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम लग जाता है। इसके अलावा गाइज, मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जी वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हमसे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए गए थे वो आपने जो अपलोड किया है रिज़ल्ट अपने लैपटॉप के लिए, उस सेमेस्टर का रिज़ल्ट, मोस्ट रिसेंट जो सेमेस्टर है उसका रिज़ल्ट आपको चाहिए होगा, आपका ओरिजिनल CNIC चाहिए होगा। ये दो डॉक्यूमेंट्स लाजमी हैं। उसके अलावा हमें एफिडेविट का भी कहा गया था, एफिडेविट हमने बनाया था, और सेकेंड ईयर की जो है ना आपकी DMC और फादर की CNIC की कॉपी, हमें ये चीज़ें भी चाहिए बताई थी, बट एट द एंड हमें पता चला कि दे आर नॉट कंपल्सरी। ऑल यू नीड इज़ योर ओरिजिनल CNIC मस्ट होना चाहिए आपके पास, और इसके अलावा लास्ट सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो आपके पास होना चाहिए गाइज। और आप जो है ना फिक्रमंद ना हो जाएं, आप इत्मीनान से बैठे हैं, आपको आपका लैपटॉप, अगर आपका HEC के फाइनल लिस्ट में अगर आपका नाम आया है देन यू विल गेट योर लैपटॉप, यू डोंट नीड टू वरी। सो गाइज, अगर आपको ये छोटा सा मैंने इन्फॉर्मेटरी वीडियो बनाया है क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं कि उनको लैपटॉप कब तक मिलेगा, तो गाइज़ अगर आपको मेरा चैनल व्लॉग पसंद आया तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज़। नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई चीज़ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।